Hello, everyone, and a very warm welcome to Siksha. Guys, this is session number 10 of Nabad Answer Writing, and uh, we'll be doing one question over here as usual. बिफोर गोइंग इन टू द क्वेश्चन गाइज टू थाउजेंड प्लस नॉन विडियो कोर्स एम सी क्यूज का इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स और एग्रीकल्चर एग्जाम्स लाइक आई बी पी एस एफ एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स ना बार्ट ग्रेड बी का अगर आप पेपर दे रहे हो एफ सी आई का अगर आप पेपर दे रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोर्स और बहुत ही लो प्राइसिस पे है फिफ्टी परसेंट ऑफ रन कर रहे हैं इसके ऊपर ओके सो इट कॉस्ट यू अबाउट थ्री हंड्रेड रुपीज़ एंड उसके अंदर एक आपको काफी वैल्यूएबल मटीरियल जो है यहाँ पर मिलता है टेस्ट की फॉर्म में रहता है और आप अटेम्प्ट कर सकते हो पहले टेस्ट को उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन आप देख सकते हो तो एक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रहता है चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे फटाफट से क्वेश्चन जो दोस्तों हमें डिस्कस करना था वो था हाईलाइट द डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड दिस क्वेश्चन वाज फॉर गाइस 400 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना था एंड इसके लिए मैंने आपको कहा था 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है ठीक है राइट सो लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से हमारा मेन पॉइंट क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं ठीक है अब इसको मैं ना दो तरीके से आंसर को हम लिख सकते हैं एक तो हम प्रॉपर जैसे थोड़ा एसे फॉर्म में अगर लेकर के जाएं उसको लिख सकते हैं दूसरा हम क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर ना जो वेरियस बैरियर्स एक तरीके से एग्रीकल्चर फेस करता है ना चाहे वो क्लाइमेट के हो गए चाहे वो लैंड साइज का हो गया इंडिया के अंदर वो आप इसके अंदर डाल सकते हो तो यहाँ पर जो मैं आपको डिटेल के अंदर आंसर दे रहा हूँ ना वो एक थोड़ा ऐसे फॉर्मेश में दे रहा हूँ उसके बाद में आपको ऑल्टरनेट वे में आप किस तरीके से पॉइंट्स को हाईलाइट करके कर सकते हो वो भी आपको बता दूंगा ठीक है तो दो तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट किया जा सकता है पहले तरीके में तो हम वही चलेंगे इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या डाल दूंगा कि देखो जी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कोई एक आधा फैक्टर नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स हैं वेरिड फैक्टर्स हैं ठीक है इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल भी आ जाते हैं इकोनॉमिक भी आ जाते हैं सोशियो कल्चरल भी आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल भी आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल भी आ जाते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं ठीक है, है तो ये अलग अलग फैक्टर्स है फिजिकल हो गया फिजिकल के अंदर क्या हो गया कि यार जो लैंड की हमारे यहाँ पर जो वेस्ट लैंड है या फिर जो रेनफॉल का प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल के अंदर आ जाता है कि भाई फार्मर्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके इकोनॉमिक ऑफ स्केल लैंड साइज का उसके अंदर आ जाता है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो बैंक लोन्स और इरीगेशन डेवलपमेंट आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर्स पॉलिटिकल पॉलिसीज उसके अंदर आ जाएंगी अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना ये अलग अलग लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं ये हाउस होल्ड लेवल के ऊपर भी मिलेंगे विलेज लेवल के ऊपर भी मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे भी मिलेंगे और अगर मैं देखूँ पूरी वर्ल्ड लेवल पे भी आपको एग्रीकल्चर के अंदर ये फैक्टर्स देखने को मिलेंगे अब ये फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है और जब आप इनको मैनेज कर सकते करते हो तो इसका कुछ फेवरेबल इफेक्ट होगा और कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के ऊपर ठीक है जी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं जो हम एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हम देख रहे हैं या ये जो वेरियस फैक्टर्स हम देख रहे हैं फिजिकल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स कल्चरल इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर मैंने मेजरली दो या तीन डिटर्मिनेंट्स को लिया है लेकिन उन दो या तीन डिटर्मिनेंट्स के अंदर मैंने सारे डाल दिए ऑल्टरनेटिवली आप इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले मैंने उठाया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कि भाई ये सबसे क्रिटिकल है एग्रीकल्चर आउटपुट की अगर हम बात करें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ गया बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड आ गई सड़कें होनी बहुत जरूरी है ठीक है तभी तो फार्म से लेकर के मार्केट तक जाने का जो लिंक है वो रोड है इरीगेशन फैसिलिटी जो आपके प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पानी तो आ गया लेकिन पानी के लिए पंप भी तो चाहिए पंप के लिए क्या चाहिए बिजली चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया बैंकिंग चाहिए फॉर्मल लोन्स वगैरह के लिए फॉर्मल बैंक फॉर्मल मनी लेंडिंग के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए सरकार पॉलिसियाँ तो बना रही है पर क्या वो पॉलिसियों के बारे में लोगों को पता है उस पॉलिसीज के बारे में लोगों को पता होने के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जो भी प्राइसेस गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अब इसके अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक और एलिमेंट आ जाता है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही वो आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के फैक्टर्स आगे भैया एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो फार्मर हैं, दे आर नॉट वेरी लिटरेट ठीक है लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार की स्कीमों का फायदा उठाने के लिए लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है हेल्थ फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ फैसिलिटीज अगर आप देखते हो रूरल uh, एरियाज में एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है डिटीरियोरेटिंग हेल्थ है तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है क्योंकि अल्टीमेटली जब आप हेल्दी हो तो आप बेहतर काम कर सकते हो एक्सटेंशन सर्विसेज एजुकेशनल सर्विसेज फार्मर्स के लिए इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर ताकि जो भी सरकार कदम उठा रही है वो लोगों तक पहुंचे पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है ऊपर के लोग तय कर रहे हैं ऊपर जो पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं वो तय कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं तो ग्राउंड लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन चाहिए एग्रीकल्चर के रिसर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी आप नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो तभी आप एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हो क्लाइमेट चेंज में हम कहते हैं कि यार मिटिगेशन और अडेप्टेशन करना है तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन तो आप तब करोगे ना जब आप एग्रीकल्चर के अंदर पैसा लगाओगे ठीक है उसके अंदर रिसर्च में पैसा लगाओगे नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करोगे है ना तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और रेट right, अब अगर हम मेजर डेफिशिएंसीज की बात करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इफेक्ट uh, करती है ये सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखने को मिलता है सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन कि वो पैसे की जो जरूरत है जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से पैसे की जरूरत है या पैसे की बचत के लिए जो सेविंग को मोबिलाइज करना है उसकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से ये आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है फर्दर डिटर्मिनेंट में आप डाल सकते हो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है ठीक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो आप फैसिलिटीज कोल्ड स्टोरेज हो गया मार्केटिंग आउटलेट जैसी फैसिलिटीज हो गया इनको डेवलप करना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो देखो फार्मर है स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर जो फार्मर है वो क्या है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ठीक है अब इन फार्मर्स की इनकम जो होती है या जो लिविंग कंडीशंस होती है वो पॉवर्टी लेवल के ऊपर होती है बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं ये या, या बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स के पास इतना पैसा है कि ये खुद के कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बना ले खुद के मार्केटिंग आउटलेट्स स्टेब्लिश कर ले और इसी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया ठीक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इसीलिए कैपिटल कंस्ट्रेंट जो कंट्रीज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स को भी एनकरेज करना बहुत जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जा सके अल्टीमेटली आप कंक्लूड कर सकते हो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पॉलिसीज को डिजाइन किस लिए किया जाता है ताकि जो रूरल लोग हैं उनको वर्क और लिविंग जो है स्टेटस इंप्रूव हो अब कंक्लूजन में आप फर्दर ये भी लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जनधन योजना जैसी जो स्कीम्स हैं वो राइट right डायरेक्शन में काम कर रही हैं क्योंकि अगर आप देखो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या काम है कि कैसे जो पैसा है फाइनेंस को लेकर के आया जा सके और इन्वेस्ट किया जा सके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को डेवलप करने के लिए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर देखो रोड्स का आप लिख सकते हो कि सरकार इतना काम कर रही है दस तीन दो हजार बाईस तक ढाई सौ प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी के, के अंदर वन फाइव सेवन थ्री सेवन सेवन हैबिटेशन को अभी तक सेंक्शन किया जा चुका है और इसमें से वन फाइव फाइव सेवन वन नाइन हैबिटेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा चुकी है ठीक है तो आप का एग्जामिनर को भी यह पता चल गया कि यार इसने इसको पता है कि स्कीम में कुछ काम कर रही है डिटर्मिनें को सॉल्व करने में यह तो एक तरीका हो गया ये आपका तीन से सवा तीन वर्ड के अंदर आंसर खत्म हो जाएगा दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो दूसरा आप वेरियस जो प्रॉब्लम्स है ना एग्रीकल्चर की इंडिया के अंदर उसको हाईलाइट कर सकते हो कि यार ये डिटर्मिनेंट है ये प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना जरूरी है जिसके अंदर लैंड इश्यू आ जाएंगे सब्सिडी एंड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आ जाएगा इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट का पॉइंट आ जाएगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आ जाएगा रिस्क एंड इंश्योरेंस इन एग्रीकल्चर आ जाएगा रिसर्च एंड एक्सटेंशन आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन एंड फूड सिक्योरिटी मार्केटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज तो ये आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिटेल क्यों नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर अभी तक मेरे पास किसी बच्चे का लिख करके आया नहीं है अब मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू भी दे दिया और आपको पॉइंट भी दे दिए कि किस तरीके से लिखना है अब आप इन दोनों को कंबाइन करके एक बहुत सुंदर 400 वर्ड का आंसर निकाल सकते हो एंड नाउ आई विल बी वेटिंग कि आप अभी आंसर खुद से लिखो और एक बार मुझे जो है टेलीग्राम के ऊपर भेजो फिर मैं आपको इसको चेक करके दे दूंगा ठीक है तो इस लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही एंड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो एंड गाइज प्लीज डू शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज इट इज़ द अल्टीमेट मोटिवेशन दैट वी गेट ओके चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय